भारत मेले और फेस्टिवल्स का देश है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेला या फेस्टिवल तो चलता ही रहता है। हाल ही में गणेश पूजा हुई थी और उसके बाद दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है। अरे अरे जरा रुकिए तो सही, हम आपको मेले के ऊपर निबंध नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज हम मेले से पैसे कमाने के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में मेले हर साल मनाए जाते हैं। मेले का मजा लेना हर किसी को बहुत ही पसंद होता है। अब चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग ही हो, हर कोई मेले में जाना ही चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेला सिर्फ मस्ती का नहीं बल्कि पैसे कमाने का भी अच्छा मौका हो सकता है। जब आपके आसपास कोई मेला लग रहा हो तो आप वहाँ पर किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम कुछ आसान और कम लागत वाले बिजनेस आइडियाज पर बात करेंगे। आपको बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी और सही आइडिया चुनना होगा, इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेले में कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है तो उस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर एक, झूले का बिजनेस। मेले में झूले बच्चों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप झूले का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन आइडिया है। आप सस्ते झूले जैसे कि मिकी माउस और उछलने वाले झूलों की खरीदारी कर सकते हैं। ये झूले आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी आसानी से मिल जाएंगे। आपके पास अगर 20-25 हजार रुपए का बजट है ना, तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अक्सर मेला 15 से 20 दिनों और कभी कभी तो एक महीने तक भी चलता है। ऐसे में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने 25,000 रुपए खर्च किए तो आप एक ही मेले से करीब 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। झूले के बिजनेस में कमाई की पॉसिबिलिटीज बहुत ही अच्छी होती है। जैसे जैसे बच्चे झूले की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आपकी कमाई बढ़ती ही जाती है। इसलिए अगर आप मेले में कुछ खास करने का सोच रहे हैं ना, तो झूले का बिजनेस आपकी आमदनी को बढ़ाने में एक शानदार ऑप्शन बन सकता है। नंबर दो, मिठाई की दुकान। अगर आप मिठाई बनाने में अच्छे हैं तो मेले में मिठाई की दुकान खोलना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। मिठाइयों की हमेशा मांग रहती ही है, खास करके मेले में, जैसे कि जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला या फिर दूसरी खास मिठाइयाँ, इन सब की मांग बहुत ज्यादा होती है। मेले में अक्सर लोग परिवार और बच्चों के साथ आते हैं, बच्चे मिठाई खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए मिठाई की दुकान खोलने से आपको अच्छे कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। आप अपनी बनाई हुई मिठाइयों को सही दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना होगा कि आपकी मिठाइयाँ ताजी और जायकेदार हो। मिठाई बनाने के लिए सही मटेरियल और अच्छे तरीके का इस्तेमाल करें। आप अपने आसपास के बाजार से ताजे मटेरियल खरीद कर ला सकते हैं। मेले में आप अपनी मिठाई की दुकान को अच्छे तरीके से सजा लीजिए ताकि लोग आपकी दुकान की ओर बस खींचे चले जाएं। रंग बिरंगी मिठाइयों और स्टॉल लगाने से लोगों का ध्यान आपकी दुकान की ओर अट्रैक्ट होगा। इसके अलावा आप कुछ खास ऑफर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि 500 रुपए की खरीद पर एक मिठाई फ्री। इससे कस्टमर्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप मिठाई बनाने के शौकीन हैं और मेले में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मिठाई की दुकान आपको बहुत प्रॉफिट दिला सकती है। नंबर तीन, खिलौने का बिजनेस। मेले में बच्चों को सबसे ज्यादा खिलौने ही तो अट्रैक्ट करते हैं। जब बच्चे मेले में घूमने आते हैं तो उनका ध्यान हमेशा खिलौनों की ही तरफ होता है। इसीलिए अगर आप मेले में खिलौनों की दुकान खोलते हैं तो ये एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको होलसेल मार्केट से खिलौने खरीदने होंगे। होलसेल मार्केट में आपको खिलौने सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, जिसमें कि आप कम लागत में ज्यादा संख्या में खिलौने खरीद सकते हैं। एक छोटी सी दुकान बनाकर आप खिलौने, बलून, किताबें और छोटे छोटे खेल खिलौने बेच सकते हैं। रंग बिरंगे खिलौने और बलून हमेशा ही बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उनके मनपसंद खिलौने हो तो वो जिद करके उसको खरीदवा के ही रहते हैं। आप अपनी दुकान में ऐसे खिलौने रखें जो कि हर उम्र के बच्चों को पसंद आते हैं। जैसे कि अगर आप 10 रुपए में एक बलून खरीदते हैं तो आप उसे मेले में आसानी से 100 रुपए तक बेच सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे खिलौनों पर भी आपको 50-60% तक का मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स के खिलौने भी अपनी दुकान में रख सकते हैं, क्योंकि खिलौने बच्चे अक्सर ही खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप मेले में एक सफल बिजनेस करना चाहते हैं और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो खिलौनों की दुकान एक शानदार ऑप्शन है। इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपका मुनाफा साथ में बढ़ेगा ही। नंबर चार, जूते और चप्पल का बिजनेस। मेले में जूते और चप्पल का व्यापार एक अच्छा और फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। जब लोग मेला घूमने के लिए आते हैं तो वो अक्सर ही नए जूते या चप्पल खरीदना काफी पसंद करते हैं। यही कारण है कि मेले में जूते और चप्पल की हमेशा मांग बनी ही रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले होलसेल मार्केट से जूते और चप्पल खरीदने होंगे।
वहाँ पर आपको जूते और चप्पल कम कीमत पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप उन्हें मेले में अच्छे मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। आपके बिजनेस की सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके के जूते और चप्पल बेचते हैं और मेला किस जगह पर हो रहा है। अगर मेला किसी गांव वाले एरिया में है तो वहाँ पर सस्ते स्लिपर्स और चप्पल की मांग अधिक होती है। लोग वहाँ पर आरामदायक और सस्ते चप्पल खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में आप कई रंगों और डिजाइनों के सस्ते चप्पल खरीद सकते हैं ताकि कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शन मिल सके। इसीलिए अगर आप मेले में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जूते और चप्पल का बिजनेस अच्छा आइडिया बन सकता है। नंबर 5, चूड़ियों की दुकान। मेले में महिलाओं के लिए चूड़ियों की दुकान एक बहुत ही अच्छी और मुनाफे वाली बिजनेस बन सकती है। महिलाएं जब भी मेले में जाती हैं तो वो रंग बिरंगी चूड़ियों को खरीदना कभी भूलते नहीं है। चूड़ियां उनके लिए फैशन का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है और मेले में सजी धजी चूड़ियों की दुकान देखकर महिलाएं जरूर दुकान पर रुक ही जाती हैं। अगर आप चूड़ियों की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको पहले होलसेल मार्केट से चूड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसके लिए फिरोजाबाद एक बहुत ही मशहूर जगह है, जहां पर आपको हर तरह की चूड़ियां सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। वहां से आप रंग बिरंगी कांच की या मेटल की या फिर किसी भी दूसरी तरह की चूड़ी आराम से खरीद सकते हैं। आपकी दुकान में हर तरह की चूड़ियों का होना जरूरी है ताकि हर उम्र की महिलाएं अपनी पसंद के हिसाब से चूड़ियां चुन सके। खासकर अगर आप चूड़ियों के साथ साथ कंगन और बिंदी जैसी चीजें भी रख रहे हैं ना, तो आपकी दुकान पर तो कस्टमर्स की भीड़ ही लग जाएगी। चूड़ियों की दुकान आप एक छोटी सी जगह में भी खोल सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लागत कम होती है लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। नंबर 6 हो गया आइसक्रीम की दुकान। अगर मेला गर्मियों के मौसम में होता है ना, तो आइसक्रीम की दुकान खोलना तो एक शानदार बिजनेस आइडिया है, क्योंकि मेला घूमते समय लोग अक्सर कुछ ठंडा और ताजा खाना पसंद करते हैं और ऐसे में आइसक्रीम सबसे पसंदीदा ऑप्शन बन जाती है। इसलिए अगर आप मेले में आइसक्रीम बेचते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप अपने आसपास के किसी भी आइसक्रीम फैक्ट्री में थोक से आइसक्रीम खरीद सकते हैं। इससे आपको सस्ती कीमत पर आइसक्रीम मिल जाएगी और आप मेले में इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। नंबर 7, फास्ट फूड स्टॉल। मेले में फास्ट फूड का स्टॉल लगाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मुनाफे वाला बिजनेस आइडिया भी है। बच्चे, लड़कियों और महिलाएं, लगभग सभी लोग फास्ट फूड आइटम्स को बड़े ही शौक से खाते हैं, इसलिए आपकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी ही रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती है। आप कुछ जरूरी मटेरियल्स लेकर आसानी से फास्ट फूड का स्टॉल लगा सकते हैं। पानी पूरी और गोलगप्पे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत तो है ही नहीं। इसके अलावा इन चीजों की कीमत भी कम होती है, जिससे कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें खरीद कर बड़े ही चाव से खाते हैं। बस आपको मेले में स्टॉल के लिए एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ से मेले में आने वाले लोगों का गुजरना होता है। इससे आपकी बिक्री काफी बढ़ जाएगी। आप अपनी दुकान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रंग बिरंगे बैनर या सजावट भी कर सकते हैं ताकि लोग आपकी दुकान की ओर आकर्षित हों। फास्ट फूड का बिजनेस कम लागत में शुरू होने लगता है लेकिन मुनाफा बहुत ही अच्छा देता है। एक दिन में आप सैकड़ों कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं और मेले के अंत तक तो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो अगर आप भी किसी मेले में अपनी आमदनी बढ़ाने या नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो फास्ट फूड स्टॉल का बिजनेस आइडिया आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थे वो 7 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप मेले में शुरू कर सकते हैं। इनमें से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया है हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए।